टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगभग 2,500 जो कर्मचारी हैं उनको टर्मिनेशन नोटिस दिए जा चुके हैं। 6,000 के करीब हड़ताल पर हैं। नहीं, हम सबको कह रहे हैं कि ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो हम किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और हम सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोई तरीका नहीं है। इनकी यूनियन ने जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया था हमने वो सारा मान लिया, और उसके हमने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमने दिया। ये सर्विस रूल की इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे थे, हमने वो नोटिफाई कर दिए, और अपने हमारे स्टेट एक्सचेकर से लगभग 110 करोड़ रुपया हमारे स्टेट एक्सचेकर से जा रहा है इनके, उसमें सारी मांगे हमने मान ली है। अब ये थोड़ा कि एवरी सेकंड आप हड़ताल करके खड़े हो जाते हैं, 2 साल में 10 बार ये हड़ताल कर चुके हैं और ये कहते हैं कि हमें परमानेंट कर दो। हम कैसे परमानेंट कर दें, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इसमें कोई परमानेंट होता ही नहीं है, और इनको भी पता नहीं हो सकता। लेकिन तो खाली डिसरप्ट करने के लिए ये इनकी योजना होती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को डिसरप्ट किया जाए, और इसमें ये भी संभावना हो सकती है कि इनके पीछे कोई हाथ हो जो बार बार करवाता हो। राजनीतिक पार्टी का हाथ मानते हैं आप? किसी का भी हो सकता है, कोई भी लोग इनके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि कोई हड़ताल करने का कोई औचित्य नहीं बनता। और हालांकि ये यूनियन नहीं है, यूनियन से हमारी बात है और वो हमारे थैंकफुल भी हैं, हमारा धन्यवाद भी करके गए हैं और वो हड़ताल पर भी नहीं है। ये कोई यूनियन नहीं है, वी आर नॉट बाउंड टू लिसन कि हर आदमी की हम बात सुने, ऐसा हमारे ऊपर कोई बैंडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी हमने हमारी एमडी एनएचएम ने उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है, हमारे एसीएस अरोड़ा जी ने उनके साथ बात की है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, मानने के लिए तैयार ही नहीं है किसी बात को। देखो, 6th पे कमीशन तो हमने दे दिया है इनको, और समय समय पर जो भी जायज होती है मांगे हम अपने आप उसको करते हैं। ये इनकी मांग तो है कि हमें रेगुलर किया जाए, जो रेगुलर किया नहीं जा सकता।